Hello ji, namaste and welcome back to my channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. ये व्लॉग है वीकेंड का यानी संडे का और आज बच्चों की फरमाइश पे मैं बना रही थी पैनकेक्स. सो यहाँ पर मैं पैनकेक्स यूजुअली जो रेडी मिक्स पैनकेक आता है उसी से बना लेती हूँ. सो आई जस्ट टेक वन एग, उसको अच्छे से फेंट के उसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ मिल्क और बहुत अच्छे से फेंटने के बाद उसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ अ कप ऑफ दिस प्रीमिक्स. तो यहाँ पर बच्चों को मैं पैनकेक्स बना के दे रही हूँ और ये एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत फटाफट बन जाती है एंड कई बार मैं बच्चों को स्कूल में भी ये दे देती हूँ. सो हफ्ते में एक बार ऐसा हो ही जाता है कि हम लोग पैनकेक्स खा लेते हैं. तो यहाँ पर बस मैंने एक नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, बटर लगाएंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा. सो यहाँ पर बस मैं छोटे छोटे पैनकेक्स बना रही हूँ आज बच्चों के लिए. जितने छोटे और पतले रहते हैं उतने ज़्यादा मॉइस्ट बनते हैं एंड उतना ज़्यादा इनका टेस्ट जो है अच्छा रहता है. सो बस यहाँ पर पैनकेक्स हो गए थे रेडी और बच्चे भी मेरे बिल्कुल रेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए. सो यहाँ पर मैं उनको निकाल रही हूँ पैनकेक्स को और आज मैं इनको सर्व करने वाली हूँ उनके फेवरेट चॉकलेट सिरप के साथ में. यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ मेपल सिरप से, बट बच्चों को जो है ना ये चॉकलेट सिरप के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो यहाँ पर बस बच्चे आ गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करने एंड उसके बाद हम लोग भी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे. क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं तो अब मैंने यहाँ बाहर बालकनी में एक बोल रख दिया है चिड़ियों के लिए. उसमें मैं रोज़ पानी फिल कर देती हूँ ताकि वो लोग आके पी सकें पानी. और बच्चों ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू क्लीन द हाउस. सो संडे ऐसा दिन होता है जब मेरे क्लीनर नहीं आते हैं और उस दिन हम लोगों को क्लीनिंग करनी होती है. तो फ्राइडे और सैटरडे बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं बिकॉज इट्स वीकेंड एंड उनका हक बनता है. सो यहाँ पर बस उन लोगों ने क्लीनिंग करी थी और उसके बाद अब हम लोगों ने सोचा कि कहीं बाहर जाया जाए. सो दुबई में जो है ना 3 दिन की सेल चल रही है और सैटरडे संडे एंड मंडे. सो आज प्रॉबेबली लास्ट है. सो हम लोग सैटरडे को भी गए थे और आज संडे है. सो हम लोगों ने सोचा आज भी एक बार चल के दूसरे मॉल में देख के आते हैं. सो उसके लिए मैं यहाँ पर हो रही हूँ रेडी. सो स्किन केयर करने के बाद में मैंने लगा लिया था सन ब्लॉक और उसके बाद में मैं बहुत ही बेसिक सा मिनिमल मेकअप करके जा रही हूँ. सो ये मेकअप मैं हर बार करती हूँ और अभी गर्मियों में तो दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू. बहुत ज़्यादा ऑयली और केकी नहीं रहता है बट इससे पूरा दिन अच्छा गुजरता है. सो यहाँ पर मैंने सन ब्लॉक लगा लिया था. उसके बाद में मैं लगा रही हूँ सम फेस पाउडर एंड सम ब्लश. ये वाला जो पिक्सी का ब्लश है ना, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स. इससे इतना अच्छा नेचुरल सा ग्लो आता है. इसका नाम ही ऑन द ग्लो है तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है एंड मैं हमेशा यही वाला यूज़ करती हूँ. नाउ सिंस इट्स going to be very sweaty and hot outside, तो यहाँ पर मैं जो है काजल पेंसिल या लाइनर नहीं लगा रही हूँ. आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस मस्कारा फ्रॉम गॉश और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है एंड आई एब्सोल्युटली लव द रिजल्ट्स. यहाँ पर मस्कारा मेरी नोज़ पर भी लग गया था बट इसको अभी टैकल करते हैं. बट उससे पहले मैं यहाँ पर लगा रही थी लिपस्टिक. ये मैंने शीन से ऑर्डर करी थी एंड ये जो लिपस्टिक है ना, ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा डल बना रही थी. द कलर वाज नॉट लुकिंग वेरी नाइस. पूरा कलर जो फेस था मेरा वो फेड आउट हो गया था. सो इसको फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर ली थी एक दूसरी लिपस्टिक और इसको मैंने मिक्स करके लगाया एंड थोड़े से डॉट्स लगाए एंड इट जस्ट वर्क्ड फॉर मी. बाय दिस टाइम ये जो है ड्राई भी हो गया था मस्कारा और इसको मैंने क्यू टिप से लेके बस थोड़ा सा क्यू टिप रोल किया एंड इट वाज ऑफ. अगर गीले में इसको हटाते तो ये मार्क्स छोड़ जाता एंड बस थोड़ा सा मैंने इसको ब्लेंड किया एंड नाउ आई एम डूइंग माय ब्राउज व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और पीछे ना कुणाल और बच्चे सब लोग पीछे पीछे घूम रहे थे एंड दे वर ऑल गेटिंग रेडी टू गो आउट.
सो एज आई टोल्ड यू ना कि हम लोग सैटरडे को भी मॉल गए थे सेल देखने के लिए एंड ऑफकोर्स वी बॉट सम थिंग्स, बट आज फिर से हम लोग जा रहे थे और कल पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी इन द मॉल, इवन इनसाइड द मॉल, जबकि यहाँ पे मॉल एसी बहुत तेज़ चलते हैं. कुछ स्टोर्स ऐसे थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे एंड आई वॉज गेटिंग वेरी इरिटेटेड बिकॉज ऑफ इट. सो आज मैंने सोचा था कि मैं मेरे बाल बांध के जाऊँगी, और कल मैंने इसलिए भी नहीं बांधे थे बिकॉज माई हेयर वर वेट. सो यहाँ पर बाल बाल बांध लिए हैं एंड आई एम रेडी टू गो. सो यहाँ पर बस हम लोग निकल गए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट मॉल. कल हम लोग गए थे मिर्जा सिटी सेंटर और आज हम लोग जा रहे हैं डेरा. तो यहाँ पर पहुँचने से पहले मैंने थोड़ा सा जो है बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह ले लिए हैं, बिकॉज अगर जाते ही मॉल में कुछ खा लिया तो फिर हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे. सो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए लिए थे चॉकलेट क्रोसां और अपने लिए मैंने लिया था एक नॉर्मल चीज़ क्रोसां. सो यहाँ आज हम लोग पहुँचे थे अराउंड 1:30, बट कल हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें लगा कि काफ़ी भीड़ होने वाली है, बट बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी सुबह के टाइम पे. तो पार्किंग भी मिल गई और आज भी हमें पार्किंग बहुत इजीली मिल गई थी. सो दिस इज़ डेरा सिटी सेंटर और अंदर काफ़ी भीड़ थी. यहाँ पर इस स्टोर लोकेटर की मदद से हम लोग देख रहे थे कि कौन से शूज़ के अच्छे स्टोर्स हैं यहाँ पर एंड वी कैन गो अहेड एंड चेक देम आउट. बट उससे पहले मुझे दिख गया बीबीजी और ये बहुत अच्छा स्टोर है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर. और सबसे बाहर इन्होंने बिल्कुल ही बाहर रखे हुए थे ये है बहुत सुंदर हैंड बैग्स, और आप लोगों को पता है हैंड बैग्स मेरी कमज़ोरी है. सो यहाँ पर मैं गई अंदर देखने के लिए हैंड बैग्स. उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे ऑफ परफ्यूम्स, स्किन केयर एंड एवरीथिंग. सो हैंड बैग्स के अलावा देयर वॉज मेकअप, क्लोदिंग, एक्सेसरीज, शूज एंड वॉट नॉट. सो यहाँ से खैर बहरहाल मैंने कुछ लिया नहीं एंड हैंड बैग्स मेरा मन था लेने का, बट देन आई थॉट कि मैंने अभी ही तो लिया था तो मैंने यहाँ से फिर कुछ नहीं लिया एंड वी आर नाउ हेडिंग आउट. और अब हम लोग पहुंच गए थे मातालान, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर्स. और यहाँ पर जो डील चल रही थी विच वाज बाय वन गेट वन, जिसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे और मुझे काफ़ी कुछ पसंद भी आया. मैंने थोड़ा बहुत लिया और उसके बाद मैंने यहाँ का पूरा कलेक्शन चेक किया. सारे कपड़े बहुत अच्छे थे और ये एक लौता स्टोर है जहाँ पर मुझे मेरी पसंद के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. लाइक आई रियली लाइक दिस टॉप और उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड. सो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी क्लोदिंग सेक्शन और उसके अलावा यहाँ पर होम सेक्शन भी है जहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिलता है. इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. और यहाँ पर ना कुनाल भी मेरी हेल्प कर रहे थे टू फाइंड सम अमेजिंग पीसेज ऑफ क्लोदिंग.
क्लोथिंग के अलावा यहाँ पर बहुत अच्छा स्विम वेयर का कलेक्शन भी आया हुआ था फॉर दिस समर एंड इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। ये ना एक डेरा सिटी सेंटर में ही एक स्टोर है कॉल्ड श्री और यहाँ पर इंडियन वेयर है। देव गॉट कुर्तीज, साड़ीज, सूट्स एंड ट्यूनिक्स एज वेल, बट मुझे यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया बिकॉज इनका जो सारा स्टॉक था वो एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता था। देर वॉज़ नो यूनिकनेस देर, तो मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं, बट जो मैंने लिया वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उसके बाद आज तो ना मैं आपको पूरा मॉल ही घुमाने वाली हूँ, सो हमने जो जो स्टोर देखे वो सारे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एंड बाई दिस टाइम ऑल फोर ऑफ अस वर रियली रियली हंग्री, तो हम लोग पहुंचे चिलीज और यहाँ पे हमने इंजॉय किया हमारा लंच। सो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किए थे सम नाचोस और उसके अलावा वी ऑर्डर्ड सम गुआकामोली एज वेल। सो मैंने ऑर्डर किया था ये बोल, इसके अंदर थे सम ब्लैक बीन्स, सम प्रॉन्स, चिकन, लेमन, एवोकाडो, सम सैलड एंड सम राइस, और ये बोल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरे पास वाली टेबल ने भी यही ऑर्डर किया था, बट मुझे उनका जब ऑर्डर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा था एंड आई वाज रिग्रेटिंग माय डिसीजन कि मैंने क्यों ऑर्डर कर लिया, बट टू माय सरप्राइज इट वाज रियली रियली गुड, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये, इट हैड अ लॉट ऑफ फ्लेवर इन इट, सो मुझे काफ़ी पसंद आया। सो बस लंच करने के बाद में हम लोग निकल गए थे वर्जिन स्टोर्स और ये बहुत अमेजिंग स्टोर है, बच्चे ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, कुनाल ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। एक्चुअली वी हैड अ गिफ्ट कार्ड जो हम लोग यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, बट देन कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर भी, तो हमने यहाँ से भी कुछ नहीं लिया। हम लोग एक्चुअली गए तो थे काफ़ी सारी शॉपिंग करने, बट वी एंडेड अप बाइंग वेरी लेस थिंग्स एक्चुअली, जो बहुत ज़्यादा पसंद आया ना हमने वही लिया, वी डिडंट गेट टेम्प्टेड बाय द सेल एंड बॉट द थिंग्स दैट वी डिडंट वॉन्ट। सो वर्जिन मेगा स्टोर्स की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पे जो स्टेशनरी है ना, इट इज़ सो ब्यूटिफुल जस्ट लाइक बॉर्डर्स। सो बॉर्डर्स की स्टेशनरी और यहाँ की स्टेशनरी इज़ माई फेवरेट एंड आई कैन स्पेंड आवर्स इन आवर्स हियर। कुनाल कैन स्पेंड आवर्स इन द बुक सेक्शन, आई कैन स्पेंड आवर्स इन द स्टेशनरी सेक्शन। सो यहाँ पर हम लोग बस स्टेशनरी देख रहे थे एंड वी वर टायर्ड बाई दैट टाइम, सो हम लोगों को लगा कि अब घर चलना चाहिए। वैसे भी कल स्कूल है, मंडे है, तो बच्चों की भी तैयारी करानी थी मुझे इस नेक्स्ट डे की, वी हैड टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक। तो यहाँ पर बस अब हम लोग निकल गए थे घर के लिए। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग मॉल से निकल रहे होते हैं, आधी दुबई की जनता मॉल में जा रही होती है। सो बस यहाँ पर हम लोग निकल गए थे घर के लिए एंड रस्ते में मन हुआ कि कुछ अच्छी सी कॉफ़ी वॉफ़ी पी लें हम लोग, सो वी स्टॉप्ड एट अ स्टारबक्स दैट इज़ राइट अक्रॉस आर हाउस। तो बस यहाँ पर हम लोग ले रहे थे अपने लिए कॉफ़ी और मैंने मेरे लिए एक ना ब्राउनी का कप भी लिया था, द ब्राउनीज़ वर ओकेश, कुछ बहुत अच्छी सी नहीं थी, बट ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो रहा था इसलिए मैंने ले ली।
तो बस यहीं तक था आज का व्लॉग. आई होप यू एंजॉयड इट एंड विल लुक फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट व्लॉग वेयर एन आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या खरीदा. और यहाँ पर थोड़ी मस्ती के साथ में अब मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए बाय गाइज एंड जय राम जी की.